अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ हीट। दोस्तों, कंडक्शन ऑफ हीट को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर और हीट को मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इन दोनों की डिफिनीशन करना चाहता हूँ। टेम्परेचर जो है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इस पैमाइश को टेम्परेचर कहते हैं। या हम इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के थ्रू अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसको यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी ऑब्जेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर कहते हैं। और हीट जो है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। हीट जो है ये एनर्जी है, और टेम्परेचर जो है किसी ऑब्जेक्ट की गर्म या ठंडा होने की पैमाइश है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास दो वाटर टैंक हैं। एक को मैं नाम देता हूँ टैंक ए, जिसमें एक लीटर का पानी है। जब हम टैंक ए में एक लीटर का पानी डालते हैं तो वाटर का लेवल या वाटर की हाइट में सपोज कर रहा हूँ कि ये 1 मीटर है। और दूसरा टैंक है बी, जिसमें मैं पानी डाल देता हूँ 1.5 लीटर। अब जब मैं इसमें 1.5 यानी 1.5 लीटर का पानी डाल देता हूँ तो इसकी हाइट मैं सपोज कर रहा हूँ कि 0.5 मीटर है, क्योंकि इसकी साइज, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। टैंक ए में 1 लीटर का पानी है और इसकी हाइट 1 मीटर है, और टैंक बी में 1.5 लीटर का पानी है, 1.5 लीटर का पानी है और इसकी हाइट, इसकी लेवल 0.5 मीटर है। अब देखो, यहाँ पे टैंक ए में पानी कम है, हाइट ज़्यादा है। टैंक बी में वाटर ज़्यादा है लेकिन हाइट उसकी कम है। अब जब मैं टैंक ए और टैंक बी को कनेक्ट करता हूँ तो पानी टैंक ए से टैंक बी में फ्लो करता है, क्योंकि टैंक ए में पानी की हाइट ज़्यादा है और टैंक बी में पानी की हाइट कम है। अब यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर ये डिसाइड कर रहा है कि पानी किस डायरेक्शन में फ्लो करे। पानी उस वक्त तक टैंक ए से टैंक बी तक फ्लो करता है जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो, दोनों की हाइट बराबर ना हो। यहाँ पे टैंक बी में पानी की मिकदार हालांकि ज्यादा है, लेकिन फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, क्योंकि टैंक ए में वाटर की हाइट ज्यादा है। अब वाटर की हाइट ये डिसाइड कर रहा है कि वाटर टैंक ए से टैंक बी में फ्लो करे। अब अगर मैं इस हाइट ऑफ वाटर को रिप्लेस करो बाय टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ वाटर को मैं रिप्लेस करो बाय हीट, तो टेम्परेचर ए का ज्यादा है और टेम्परेचर बी का कम है, तो हीट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। हालांकि अगर मैं टैंक बी को देखूं, उसमें हीट की मिकदार 1.5 जूल है और टैंक ए में हीट की मिकदार 1 जूल है। टैंक की जगह हम कोई बॉडी भी ले सकते हैं। अगर टैंक ए को मैं बॉडी ए कहो, टैंक बी को मैं बॉडी बी कहो, तो बॉडी ए में हीट की मिकदार कम है और बॉडी बी में हीट की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन बॉडी ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी बी का टेम्परेचर कम है। तो होता यू है कि हीट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। यहाँ पे टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है कि हीट किस डायरेक्शन में, कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में ट्रांसफर हो। तो यहाँ पे ए से बी की तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे डिसाइड कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करता है कि हीट कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में फ्लो करे। इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक कप में चाय है, गरम चाय है। अब अगर हम ऐसा करें कि
एक उंगली का स्मॉल पोर्शन इस पानी में डबो दे तो हमें जलन कम महसूस होती है, क्योंकि मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि चाय की जो मकदार जिसने उंगली को टच की है वो जस्ट वन ड्राप है, उस वन ड्राप में हीट की अमाउंट कम है, इसी वजह से जलन कम है। हालांकि इस वन ड्राप की टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाकी जो कप में चाय है उसकी टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वन ड्राप से जो जलन महसूस होती है वो मैं इजीली बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ हीट कम है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर इसी उंगली को मैं पूरे कप में डाल दो तो उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट कप में ज्यादा है, तो हमारी उंगली जो है वो जल जाती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वन ड्रॉप ऑफ टी उसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और पूरे कप की टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वन ड्रॉप की जलन हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ हीट कम है, और पूरे कप की जलन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर की वजह से हीट तमाम ऑब्जेक्ट्स में, जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस में, उसमें एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफर होती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब इस ट्रांसफर ऑफ हीट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, चूंकि हमारे पास थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स है। एक को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, जो कि सॉलिड में होता है, सॉलिड में जो हीट फ्लो करती है उसको कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं, और दूसरा है कन्वेक्शन ऑफ हीट, जो लिक्विड में हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कन्वेक्शन ऑफ हीट कहते हैं, तीसरा है रेडिएशन। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। आप लोगों ने नोट किया होगा रोजमर्रा जिंदगी में हम सालन बनाते हैं, उसका जो चमचा है, स्पून है, उसके एक एंड पे लकड़ी का हैंडल बना होता है या रबड़ का हैंडल बना होता है, ये क्यों? इसकी वजह कंडक्शन ऑफ हीट है। तो हम कंडक्शन ऑफ हीट को जो डिफाइन करते हैं कि द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, जिसको हम हीट कहते हैं, थ्रू मैटर फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर टू प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर विदाउट द मूवमेंट ऑफ मैटर एज ए होल इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। मतलब ये है कि अगर हम एक मीटर ले लें, उसमें उस पॉइंट से जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है हीट फ्लो करे, उस पॉइंट तक जहाँ पे टेम्परेचर कम है, हीट फ्लो फ्रॉम हायर पोर्शन टू लोअर। लेकिन यहाँ पे जो मलिक्यूल्स है या एटम्स है उस मीटर की, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती, वो अपनी जगह पे असिलेशन करती है। असिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये एक पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन है, जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। अब अगर इसको हम डिस्प्लेस करें तो वो इस मीन पोजीशन के इर्द-गिर्द मोशन करता है, इसको हम असिलेशन कहते हैं। तो मैटर की मॉलिक्यूल्स, एटम या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरह असिलेट करते हैं जब हम उसको हीट देते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं होते, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र नहीं होते, जस्ट अपनी मेन पोजीशन के इर्द-गिर्द मोशन करते हैं, तो इसको हम असिलेशन कहते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट कंडक्शन। हीट किस मैकेनिज्म के थ्रू सॉलिड्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक मेटल बार है, उसको हम एक एंड से अपने हाथ के थ्रू पकड़ते हैं और दूसरे एंड पे हम उसको हीट देते हैं। तो जब हम हीट देते हैं तो इस कंडक्टर की या इस मेटल बार के अंदर जो एटम्स है, या हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स है, या हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसको हीट एनर्जी मिलती है। जब उसको हीट एनर्जी मिलती है तो वो अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द असिलेशन शुरू करता है, या वाइब्रेशन हम कहते हैं वो शुरू करता है। ड्यूरिंग दिस असिलेशन ये मॉलिक्यूल अपने नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करता है, और इस कोलिजन के दौरान
ये मॉलिक्यूल अपनी नाइबरिंग मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी दे देता है, जिसकी वजह से ये नाइबरिंग मॉलिक्यूल जो उसके साथ है वो भी ऑसिलेशन शुरू करता है। और ये पार्टिकल या मॉलिक्यूल ऑसिलेशन के दौरान जो उसके नाइबरिंग में मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ कोलाइड होता है तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो भी ऑसिलेशन शुरू करता है। जब वो ऑसिलेशन शुरू करता है तो वो उसके नाइबरिंग के साथ जो मॉलिक्यूल्स है या एटम है उसके साथ कोलाइड करता है। तो इस तरह एक एंड से दूसरे एंड तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम जहाँ पे हमने मेटल को पकड़ा हुआ है वो गर्म हो जाता है। तो इसी तरह विदाउट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स ओन प्लेस हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ये उसका मैकेनिज्म है, ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो मैंने आपको बताया कि जब हम सालन बनाते हैं तो उसके चम्मच का हैंडल जो है वो इंसुलेटर होता है, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती। तो सालन से हमारे हाथों तक हीट ट्रांसफर होती है। अगर हैंडल ना हो लकड़ी का या रबड़ का तो हमारे हाथ जल जाते हैं। तो इसी वजह से हम हैंडल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। अब दोस्तों हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंडक्टर्स हैं। कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जिसको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं और कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जिसमें हीट फ्लो नहीं करता, उसको हम बैड कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैड कंडक्टर की अगर हम एग्जांपल ले लें तो लकड़ी जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, इसी वजह से जब हम उसको हीट देते हैं तो वो जल जाती है। इसी तरह रबड़ जो है ये बैड कंडक्टर है, उसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। प्लास्टिक है, पेपर है, फाइबर ग्लास है, ये पोअर कंडक्टर है, इसमें हीट ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती, अगर है तो बहुत कम है, हमें महसूस ही नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें हीट बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, ब्रास है, एल्यूमिनियम है। हम जब सालन बनाते हैं तो हम कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन का कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से कि उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। इसको चेक करने के लिए कि कौन सा कंडक्टर जो है वो गुड कंडक्टर है ऑफ हीट, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन, कॉपर, ब्रास और एल्यूमिनियम का राड है, उसके ऊपर हम वैक्स की कोटिंग करते हैं, क्योंकि वैक्स जो है उसको जब हीट मिलती है तो पिघल जाती है। कोटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि इन रॉड्स की एक एंड को हीट देते हैं, मुख्तलिफ तरीके से हम उसको हीट देते हैं, या उसको हम फ्लेम पे रखते हैं या उसको हम गर्म पानी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल इन रॉड्स का एक एंड जो है वो हम गर्म पानी में रखते हैं और कुछ टाइम के बाद जब हम इसको पानी में रखेंगे हम देखेंगे कि वैक्स जो है वो पिघलना शुरू कर जाते हैं। कुछ रॉड्स ऐसे होते हैं कि जिससे वैक्स जल्दी पिघल जाते हैं और कुछ रॉड्स ऐसे होंगे जो बहुत टाइम के बाद वैक्स पिघल जाते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि जितनी जल्दी वैक्स पिघल जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि उस रॉड में हीट तेजी के साथ ट्रांसफर होती है, इट इज अ गुड कंडक्टर। जैसे कि कॉपर है, कॉपर में जब हम वैक्स की कोटिंग करते हैं और पानी में रखते हैं तो सबसे ज्यादा सबसे पहले उससे वैक्स पिघल जाते हैं। सिमिलरली ब्रास है, आयरन है और एल्यूमिनियम है, ये तमाम जो है ये गुड कंडक्टर्स हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा बेहतरीन कंडक्टर है वो है कॉपर। कॉपर में हीट तेजी के साथ फ्लो करती है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेटल के 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स जो है ये गुड कंडक्टर है ऑफ हीट ट्रांसफर, उसके बाद लिक्विड है, फिर उसके बाद गैस है। गैसेस जो है इसमें हीट बहुत स्लोली फ्लो करता है, इट इज़ ए बैड कंडक्टर हम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। फर्स्ट नंबर पे सॉलिड, सेकंड नंबर पे लिक्विड, थर्ड नंबर पे गैसेस। तो इट्स ऑल अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट। थैंक यू।